Students, hope you are doing well. In this video, we will discuss about example 10.2 from chapter light. Question is, an object 4 cm in size is placed at 25 cm in front of a concave mirror of focal length 15 cm. At what distance from the mirror should a screen be placed in order to obtain a sharp image? Find the nature and the size of the image. क्वेश्चन में है कि एक ऑब्जेक्ट का साइज 4 सेंटीमीटर है जो कॉनकेव मिरर के सामने रखा है। उस मिरर का फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। उस मिरर से कितने दूरी पर स्क्रीन को रखना चाहिए जिससे ऑब्जेक्ट का इमेज साफ-साफ दिखे, यानी कि इमेज के डिस्टेंस को निकालना है, साथ में नेचर और इमेज के साइज को भी निकालना है। तो हम लोग सॉल्यूशन करना स्टार्ट करते हैं गिवन लेकर के। फर्स्ट गिवन इज ऑब्जेक्ट साइज h इक्वल्स टू +4 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, इस 4 सेंटीमीटर को हम लोग +4 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। नेक्स्ट गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू -25 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग माइनस लिख रहे हैं। इसका रीजन ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा पोल के लेफ्ट साइड में रखा जाता है और यदि लेफ्ट साइड में रखा जाता है तो यहाँ साइन क्या लगेगा, माइनस। नेक्स्ट गिवन है फोकल लेंथ f इक्वल्स टू -15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, लेकिन हम लोग माइनस साइन लगा रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि कॉनकेव मिरर के लेफ्ट में फोकस होता है और यदि लेफ्ट में फोकस होगा तो उसके फोकल लेंथ में माइनस साइन लगेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पर -15 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। अब हमें निकालना क्या क्या है, तो फर्स्ट इमेज डिस्टेंस v, सेकेंड इमेज साइज s डैश एंड थर्ड नेचर ऑफ इमेज। सो अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f। हमें निकालना है इमेज डिस्टेंस, तो 1/v को हम लोग लेफ्ट में छोड़ देंगे और 1/u को इक्वल्स टू के इधर ले आएंगे, यानी कि राइट में ले आएंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u। अब f और u का वैल्यू लिख देंगे, जहां f का वैल्यू है -15 एंड u का वैल्यू है -25। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू 1/-15 माइनस, ये माइनस साइन यहाँ आ गया, 1/-25। अब दो माइनस साइन यहाँ है तो इसे मर्ज करके प्लस लिख देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसका एलसीएम निकाल करके इसे सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व करने के बाद क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू -5 प्लस 3 अपॉन 75। जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/v इक्वल्स टू -2 अपॉन 75। यहाँ -2 इसलिए आया क्योंकि -5 प्लस 3, तो यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसमें ग्रेटर नंबर के साइन को लगा देंगे, इसीलिए यहाँ पर -2 आ रहा है। ये वैल्यू क्या हुआ, 1/v इक्वल्स टू -2 अपॉन 75। जब इसे सॉल्व करेंगे तो v का वैल्यू क्या आ जाएगा, -37.5, क्योंकि 75 को 2 से डिवाइड कर दिए और जो आंसर आया उसमें ये माइनस साइन लग गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि इमेज डिस्टेंस के साथ माइनस साइन लगा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉनकेव मिरर के फ्रंट में इमेज बन रहा है, तभी ये माइनस साइन यहाँ लगा है। ओके, इसको लिखेंगे कैसे, द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट 37.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। चूंकि फ्रंट में बन रहा है इमेज, इसलिए वो इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, रियल। तो लिख देंगे द इमेज इज रियल। नाउ मैग्निफिकेशन m इक्वल्स टू h डैश अपॉन h इक्वल्स टू -v अपॉन u। चूंकि हम लोग को इमेज के हाइट को निकालना है तो इस फॉर्मूला से हम लोग इमेज के हाइट का फॉर्मूला बना लेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो फॉर्मूला क्या बनता है, h डैश इक्वल्स टू vh अपॉन u। अब सबके वैल्यू को पुट कर देंगे, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा, -37.5 जो अभी भी हम लोग यहाँ निकाले हैं, और h का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का हाइट +4 एंड u का वैल्यू ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, यानी कि -25 सेंटीमीटर। अब इसे जब सॉल्व करते हैं हम लोग तो h डैश का वैल्यू क्या आ जाता है, -6 सेंटीमीटर। -6 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है और उस इमेज का नेचर क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड, क्योंकि वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। यदि हम लोग वैल्यू को कंपेयर करें तो इमेज के हाइट का वैल्यू है 6 और ऑब्जेक्ट के हाइट का वैल्यू है 4। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज ऑब्जेक्ट से एनलार्ज बना। तो फाइनली नेचर क्या लिखेंगे हम लोग, द इमेज इज इन्वर्टेड एंड एनलार्ज्ड। दैट्स इट। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और आगे के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा।